वेलकम बैक टू माय चैनल यूटोपिया वर्ल्ड। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट की होगी, बहुत मज़ा किया होगा और मैंने भी बहुत अच्छी तरह ईद सेलिब्रेट की है। ईद के तीनों दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे, इसलिए मैंने कोई भी जो है व्लॉग नहीं बनाया, कोई भी जो है वो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। फर्स्ट डे कुर्बानी हुई सारा समेटा, फिर दूसरे दिन जो है वो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, फिर ईद थी तो मज़े मज़े के खाने भी बनाने थे, और थर्ड डे जो था वो मैंने अपनी अम्मी के घर गुजारा, और आज जो है वो ईद का फोर्थ डे है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो कोई वीडियो शेयर की जाए। वैसे तो ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ ईद से पहले शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन ईद से पहले जो है वो ईद की तैयारियाँ थीं तो इसलिए नहीं शेयर कर सकी। वेल कोई बात नहीं, अब जो है वो ईद गुजरी है और बहुत सारी जो है वो दावतें रहती हैं, तिक्का बोटी की दावत रहती है, हलीम की दावत रहती है और बहुत सारी दावतें हैं, तो ये अब आपको उस काम आ जाएगी। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है डार्क सर्कल्स के लिए, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और इजी सी इसकी रेमेडी है। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नोन एज स्किन वाइटनिंग, ठीक है जी। ये मैं आपको अभी आगे जाके वीडियो में बताऊँगी कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इस रेमेडी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है रोज़ वाटर, लेमन, और द मेन इंग्रेडिएंट इज सैंडल पाउडर। एंड सैंडल पाउडर नोन एज स्किन वाइटनर, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन और बेस्ट 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 जो है वो इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए, स्किन के वाइटनिंग के लिए। अब मैं बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। कि ये हमने लिया है सैंडल पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है क्योंकि हम सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए बना रहे हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ लेमन और जो है वो 1/2 टेबल स्पून रोज़ वाटर, ठीक है जी। ये 1 टेबल स्पून सैंडल पाउडर है, इसमें मैंने डालूंगी लेमन जूस, 1/2 लेमन डालेंगे, ये इसके अंदर मैंने 1/2 लेमन ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। ये 1/2 टेबल स्पून रोज़ वाटर इसके अंदर चला गया, अब हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने ना बड़े बोल में जो है वो डाल दिया था ताकि अच्छी तरीके से आपको नज़र आ जाए, और बाहर जो है वो जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं कमरे में आ गई हूँ। सो लाइट की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बाहर जनरेटर का बहुत ज़्यादा शोर है। वॉट एवर, यहाँ पर जो है ये हमारा डार्क सर्कल्स का जो है वो अंडर आई मास्क जो है वो हो गया है, और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब आप इसको अपने डार्क सर्कल्स पे लगा लें और जो है वो 20 मिनट्स के बाद पानी से इसको वॉश कर लें, ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी और बहुत अफेक्टिव रेमेडी है, और अब मैं बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ एक नया हेयर मास्क जो है वो शेयर करूँगी। सो आपने जो है वो मेरी वीडियोज़ को देखना है, हर वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं दिन नहीं बता सकती, बस जिस दिन मुझे इजी होगा उस दिन मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना एक नया हेयर मास्क, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स हेयर मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मेरी अगली वीडियो के आने तक स्टे हेल्दी स्टे सेफ, और जो है मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।